टैग को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यू टैग जो क्या होता है, ये होता क्या है यू टैग, यू टैग इज यूज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर हमको अंडरलाइन करना होता है तो यू टैग का हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको हम क्या है प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। पहले हमने बता रखा है HTML के अंतर्गत हमको क्या है HTML पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हेड डिफाइन करना पड़ेगा। हेड में आज हम डिफाइन कर रहे हैं यू टैग, ठीक है, क्योंकि हम यू टैग पढ़ा रहे हैं तो हम यू टैग को हमने डिफाइन किया हुआ और हेडिंग को हमने हेड को हमने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में आता है टाइटल, टाइटल में क्या है इसलिए यूज किया जाता है अंडरलाइन, अंडरलाइन को हमने डिफाइन कर दिया और टाइटल को हमने क्या है क्लोज कर दिया, क्योंकि हमने बता रखा है जो भी स्टेप होता है जो भी हमको क्या है स्टार्ट करते हैं उसको क्या है क्लोज करना जरूरी होता है। फिर आता है बॉडी, यानी यहाँ से हमारा मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अब इसके अंतर्गत हमने पी टाइप में हमने यू टैग लगा दिया, जैसे हमने लिख दिया दिस इज अ गुड स्टूडेंट, ये क्या है अच्छा विद्यार्थी है, और यू टैग को हमने बंद कर दिया और पी टैग को हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है बॉडी को हमने बंद कर दिया और HTML को हमने क्लोज कर दिया। अब जब इसका हम आउटपुट लेंगे, ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम के माध्यम से इसको रन कराएंगे तो हमारा जो लिखा है दिस इज अ गुड स्टूडेंट, जहाँ पे हमारा लिख करके आया है उसके नीचे क्या है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसके इसका मीनिंग है यानी क्या है अंडरलाइन उसके नीचे आ गई और यू टैग का यूज हो गया, ओके।